मैट्रिक कंपार्टमेंटल का रिजल्ट हुआ जारी। दोस्तों रिजल्ट को लेकर अभी अभी बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आया है। यहाँ पर आप लोग रिजल्ट एक क्लिक में चेक कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि रिजल्ट हम लाइव प्रूफ चेक करके दिखाने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा वर्ष 2022 में देने वाले लाखों परीक्षार्थी का रिजल्ट 31 मार्च को घोषित हुआ था, ठीक है? आपको बता दें कि रिजल्ट आने के बाद कई फीसदी छात्र फेल हुए थे, तो कई फीसदी छात्र जो 80% यानी 80% छात्र जो है पास हुए थे, ठीक है? और 20% छात्र जो है फेल हुए थे। बहुत सारे जो फेलियर स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया कि अपना जो है दोबारा कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा दिया और परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया। अब रिजल्ट को लेकर काफी स्टूडेंट्स का लगातार सवाल बना हुआ है कि रिजल्ट कब और कैसे जारी होगा, कितने बजे जारी होगा, कैसे चेक करेंगे। तो आज की इस वीडियो में सारी जानकारी आपको लाइव प्रूफ देने वाले। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा का टाइम टेबल द्वारा चैनल के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, सारी जानकारी देंगे। चैनल पर न्यू जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है? तो चैनल पर न्यू जुड़े हैं जरूर ज्वाइन करिएगा सब्सक्राइब करके। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि अगर आप लोग अभी तक हमारे इस वेबसाइट को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा targetcourse.in, ठीक है? targetcourse.in पर सभी इंफॉर्मेशन बिहार बोर्ड से रिलेटेड डाला जाता है सबसे पहले। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताने चाहूंगा कैसे आपको चेक करना है। सबसे पहले आपको बता दूं कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB द्वारा मैट्रिक कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा का रिजल्ट सभी छात्रों छात्राओं नीचे दिए बताए गए निम्नलिखित माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको छात्र जितने भी छात्र हैं नीचे ध्यान से आप लोग सुनिए और समझिए। बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जैसे लिंक पर क्लिक करना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां पर आपको रोल कोड रोल नंबर भरना होगा। रोल कोड रोल नंबर भरने के बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद आपको बताना चाहेंगे सभी स्टूडेंट्स को कि आप लोगों के सामने रिजल्ट जो है शो करने लगेगा, ठीक है? भविष्य के लिए कंपार्टमेंटल रिजल्ट का स्क्रीनशॉट यानी प्रिंट आउट जरूर निकाल लें। प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आगे चल के किसी भी तरह का कोई भी दिक्कतों का सामना झेलना नहीं पड़ेगा। तो यह सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आप लोग अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। और ध्यान रखें आप लोग इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। और ध्यान रखिए एक बात और बोलना चाहूंगा, यदि अगर आप लोग मैट्रिक और इंटर के छात्र हैं और अभी तक ओरिजिनल मार्कशीट डाउनलोड नहीं किए हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हूँ इस मार्कशीट को लेकर, ओरिजिनल मार्कशीट कैसे डाउनलोड करना है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को, ठीक है? सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर करने के साथ साथ लाइक करिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे न्यू नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय।